हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मुझे ना ज्वेल गैलेक्सी की तरफ से कुछ ज्वेलरी जो है मुझे आया था, तो वो मैं भी आप सबको दिखाऊंगी। ये सारी ज्वेलरी ना मैंने खुद सिलेक्ट किया है, फिर मैंने सिलेक्ट करके उनको दिया तो उन्होंने फिर भेजा, तो अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ। और ज्वेल गैलेक्सी की पैकिंग तो आप सब जानते ही हैं, बहुत अच्छा सा पैक होके आता है। तो ये इस तरीके का बबल रैप में आता है और इसमें मतलब मोती वगैरह कुछ भी टूटने का डर नहीं है, तो इस तरीके का आता है। तो ज्वेल गैलेक्सी का ना एक उनका अपना वेबसाइट है, तो ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा कोई भी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहले मैं सेट से दिखाती हूँ कि मेरे पास सेट कैसे कैसे आया है। तो मैंने ना साइड में पिक लगा दिया है, तो ये वाला सेट जो है क्रिस्टल सिल्वर प्लेटेड नेकलेस सेट, और ये ना कुछ इस तरीके का है। तो सिंपल है, आप साड़ी सूट या कोई भी चीज़ में आप पहन सकते हो। तो अभी आप देख सकते हैं, और दो इयररिंग्स आ जाएगा इसके साथ, और इसका कलर भी अच्छा है। और ये था एक नेकलेस, और दूसरा नेकलेस सेट जो है तो ये है कॉर्निश गोल्ड प्लेटेड नेकलेस सेट। तो अभी आप देख सकते हैं, ये ना थोड़ा सा हैवी है, तो मतलब ये कोई भी जैसे करवा चौथ या दुर्गा पूजा में ना आप पहन सकते हो। तो ये देखिए, ये इस तरीके का है, और अभी मैं इसको पहन के दिखाती हूँ। और इसका कलर ना बिल्कुल सोने जैसा होता है ना, तो उस तरह का ये कलर है। तो अभी चलिए मैं इसको पहले पहन के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो मैंने ना इसको पहन लिया है, और ये ज़्यादा हैवी नहीं है, तो मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा हैवी है, तो ये ज़्यादा ना हैवी नहीं है। और इसके इयररिंग्स है ना, तो ये भी जो है हल्के लगे। तो ये सेट मैंने मंगाया है, और मैंने मंगाया है कंगन। तो ये ना अभी आप देख सकते हैं पिक में, तो इसमें ना चार कलर का कंगन था, तो ये एक ही में था। अभी आप देख सकते हैं, तो ये इस तरीके का पहले था, और ये इस तरीके का, और ये जो है इस तरीके का, और ये इस तरीके का, तो ये एक ही था। और इसका प्राइस भी मुझे बहुत कम लगा। तो अभी मैं आप सबको खोल के दिखाती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो ये सारे कंगन जो इस तरीके का है, और ये चार कंगन जो है ना ये थोड़ा भारी है, और ये जो कंगन है तो ये भी सिंपल है, और ये भी अभी आप देख सकते हैं ये भी सिंपल है। और देख सकते हैं ये चारों कंगन जो है एक ही सेट में मिला था, तो एक ये मैंने मंगाया था। और मैंने मंगाया था इयररिंग्स, तो ये ना एक ही सेट में इयररिंग्स था ये सारे। तो ये है मल्टी कलर थर्मल ड्रॉप इयररिंग्स कॉम्बो, तो अभी आप पिक में देख सकते हो, और इसमें भी आप देख सकते हो, ये देखिए। तो अभी मैं खोल के दिखाती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो ये जितने भी कलर है ना, ये बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। तो कोई भी नॉर्मल साड़ी या सूट के साथ ना आप, जैसे कि कलर जो कलर है साड़ी का या सूट का, तो उसके साथ आप पहन सकते हो। तो ये देखिए, तो ये चार का कॉम्बो है। तो ये मैंने इयररिंग्स एक मैंने मंगाया था, और इस बार ना इयररिंग्स जो है मैंने ज़्यादा मंगाए, क्योंकि जब मैं सिलेक्ट कर रही थी ना तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे लगे इयररिंग्स, तो मैंने मंगाया है। तो अभी आप देख सकते हैं ये वाला इयररिंग्स, इसको भी मैं खोल के दिखाती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं इयररिंग्स, ये ना बीच में जो है फ्लावर डिज़ाइन है, और यहाँ पे ना बीच में मोती दिया हुआ है, और इसके ये देखिए ये लटकन। तो ये मुझे ना बहुत अच्छा लगा ये इयररिंग्स, और ये ना बिल्कुल भी ये चुभेगा नहीं, ये सॉफ्ट है। तो ये मैंने मंगाया है, और अभी इसको मैं पहन के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी ना मैंने ये इयररिंग्स पहन लिया है, और काफ़ी इसको पहन के ना मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा भारी है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और ये मैंने मंगाया है, अच्छे अच्छे इयररिंग्स है, तो वो भी मैं अभी आप सबको दिखाती हूँ। दूसरा इयररिंग्स जो है ये वंडरफुल हैंडक्राफ्ट प्लेसी ट्रल डॉफ इयररिंग्स, तो अभी आप इसको पिक में देख सकते हो, और इसको ना अभी आप देख सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा, तो ये भी कोई भी नॉर्मल साड़ी या सूट के साथ ना पहन सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला इयररिंग्स जो है ये क्रिस्टल सिल्वर प्लेटेड चेन ड्रॉप इयररिंग्स है ये, तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इयररिंग में से ये वाला एक अच्छा लगा, और ये भी अच्छा लगा, और साड़ी ही अच्छा है। और जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा ना, तो ये अभी आप देख सकते हो, ये ना जंजीर टाइप का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे।
तो फ्रेंड्स अभी मैंने ना ये इयररिंग्स पहन लिया है और ये बिल्कुल भी मतलब हैवी नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा भारी है। तो अभी आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और अगला मैंने मंगाया है तो ये जो है ये ज्वेल गैलेक्सी का ट्रेंडी एडी ऑक्सीडेट गोल्ड अमेजिंग 6 पेयर ऑफ स्टैंड इयररिंग्स। तो अभी आप देख सकते हो, पिक में भी देख सकते हो। तो ये ना जैसे कि अभी देख सकते हो ये छोटे हैं और बड़े भी हैं, छोटे भी है। और ये ब्लू कलर में है, रेड कलर में और ये ब्लैक कलर में है। तो ये इस तरीके का है। तो ये मैंने मंगाया एक। और अगला जो है ये पर्ल गोल्ड प्लेटेड 8 पेयर ऑफ इयररिंग्स। तो ये ना एक ही सेट है और ये अभी मैं दिखाती हूँ, पिक में देख सकते हो आप और इसमें भी देख सकते हो। तो ये देखिए, ये तो इस ये बड़े आ जाएंगे और ये ना एक इस तरीके का आ जाएगा। और तो ये छोटे छोटे भी आ जाएंगे और जो जैसे कि ऊपर वाला कान में जो ये सब पहनते हैं ना तो वो पहन सकते हो। और मेरा ना ऊपर वाला कान का जो छेड़ा नहीं है तो मैं नहीं पहन सकती हूँ। तो फ्रेंड्स अगला और लास्ट इयररिंग जो है तो ये गोल्ड प्लेटेड का कुंडन इयररिंग्स है। तो अभी आप देख सकते हो, तो मैं ना सोच रही थी कि इस तरह का इयररिंग्स मैं लूँ, तो फिर ज्वेल गैलेक्सी वालों ने मुझे भेज दिया तो मुझे ना करवा चौथ में काम आ जाएगा। तो ये इस तरीके का है और ये ना मुझे बहुत पसंद था, पहले जब चला था ना एक बार तब ना मुझे बहुत पसंद था। तो अभी मैं इसको पहन के दिखाती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो पहनने के बाद ना और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो ये वाला इयररिंग्स ना मैं करवा चौथ में पहनने वाली हूँ। और लास्ट जो है तो यही स्टूडेंट गोल्ड प्लेटेड मंगलसूत्र सेट। तो ये सेट में है और अभी आप पीक में देख सकते हो। तो ये मैंने मंगाया है और सिंपल सा है, तो जैसे आप रेगुलर भी पहन सकते हो इसको। तो अभी आप देख सकते हो कितना इस तरीके का है, छोटा सा। और इसके साथ ना दो इयररिंग्स मिल जाएगा, छोटे छोटे से इयररिंग्स जो है ना काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए, तो ये सिंपल सा मंगलसूत्र है, तो ये मैंने एक सिलेक्ट किया था। तो यही सब है जो मुझे ज्वेल गैलेक्सी की तरफ से रिसीव हुआ है। तो कैसा लगा, इसमें से कौन सा अच्छा लगा। इस सारे नेकलेस इयररिंग्स का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से बाय कर सकते हो या कोई भी वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, कोई भी वेबसाइट से। तो इसमें से कौन सा नेकलेस और कौन सा इयररिंग्स आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यही तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप सबको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नई है मतलब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं और एक अच्छे नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू, बाय बाय।